थैंक यू गॉड। शुरू करें सर मीटिंग। तो आज मैं आपकी होस्ट रहूंगी। तो आज मेरा नाम सुचेता शर्मा है और हाउस वाइफ है और अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। और हस्बैंड मिस्टर नवनीत कुमार शर्मा, हम दोनों इस बिजनेस को बहुत ही पैशन से बिल्डअप कर रहे हैं। तो आज की जो सीडी अभी सभी लीडर ने सुनी है, इतनी अच्छी सीडी है। और कहते हैं ना कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है ये। और थैंक यू करते हैं गॉड का, और थैंक यू करते हैं अपनी ग्रेट ग्रेट सारी अप्लायंस का, और थैंक यू करते हैं अपने ग्रेट ग्रेट मेंटर का जो आज हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और हम सब की लाइफ में इतना अच्छा बिजनेस लाया। और इससे क्या है फ्रेंड्स, आज हमारी हेल्थ सबसे मेन है। मनी की तो बात बहुत दूर की बात है, आज मेन हेल्थ है। तो हेल्थ सबसे अच्छी चीज है, और जो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आज जो प्लान शेयर करेंगे वो बहुत ही पैशन से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, और बड़ी अच्छी उनकी टीम है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। और उनको मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाने जा रही हूँ। और सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट इस मीटिंग में आए हो तो आप प्लीज अपने माइंड ओपन करके इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा। और ये लाइफ चेंज वाला बिजनेस है फ्रेंड्स। और डायरी और बॉल पेन अपने पास रखिएगा, और आपको जो भी बात आपको यहाँ बोली जाएंगी, आपको जो भी अच्छी लगे अपनी डायरी में नोट करिएगा। उससे आपको आपके विजन क्लियर होंगे और आपको एक जिंदगी में जो चाहिए वो इस बिजनेस में है फ्रेंड्स। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं बुलाने जा रही हूँ आज को जो स्पीकर है, नेहा एन सुरेंद्र भगत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। तो हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैडम हस्बैंड वाइफ। मैडम जो हमारे वो हाउस वाइफ है और रूपनर से हैं, और मैम आज प्लान शेयर करना चाहते हैं। कोशिश करेंगे बेस्ट शेयर करेंगे मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ नेहा, मैं रूपनगर चिनौर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड मेरे बैंक में जॉब करते हैं। जैसे कि आज की ड्यूटी मेरी है प्रेजेंटेशन शो करने की, तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो एमए बीएड है। इस अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ पे मैंने 4-5 years जॉब किया है। उसके बाद मैंने LIC में वर्क किया है एज ए एजेंट, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे घर के जो मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाई। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने आफ्टर मैरिज अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी की है, और जॉब के लिए भी अप्लाई किया था। तो शायद भगवान को मुझे जॉब से ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी देनी थी, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल पाई। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल पाई। मैं आज बहुत खुश हूँ इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद। मेरे अपने जो ड्रीम्स से वो यहाँ से फुलफिल होने का मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हर एक इंसान अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करता है, वो कोई ना कोई उसका एक रीजन होता है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम प्रोफेशन में हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, तो सब इंसान का एक ना एक कोई ना कोई कारण है इन सब का। तो वो कारण जो है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो हम क्यों करते हैं, व्हाई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना एक व्हाई क्लियर करेंगे, हमारा कारण क्या है इन काम को करने का। हर कोई इंसान कोई जॉब में है, कोई प्रोफेशन में है, और कोई ना कोई बिजनेस में है। तो फ्रेंड्स, वहां से हमें क्या है, हमें मनी अर्न करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें वहां से मनी मिलती है, मनी जो है फ्रेंड्स वो हमारी जरूरतों को पूरी करती है। इसीलिए हम बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि आप अच्छी पढ़ाई करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वहां से आप अच्छी इनकम का एक सोर्स जो है वो बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि मनी से हमारी क्या क्या हो सकता है। एक तो फ्रेंड्स हमारी नीड्स होती है, दूसरा हमारा ड्रीम्स होती हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर जो थे वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हस्बैंड भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उससे वो किस तरह से अपनी नीड्स और ड्रीम्स पे फोकस करता है। फ्रेंड्स, जब नीड्स है हमारी,
आज से 50 साल पहले भी हमारी यही नीड्स थी, आज भी यही नीड्स है और आने वाले 50 साल में हमारी यही नीड्स रहेंगी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये फ्रेंड्स हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो उसके बाद आज जो अभी हमारे पास 21st सेंचुरी में हम बात कर रहे हैं, तो मोबाइल जो है फ्रेंड्स हमारी बेसिक नीड बन चुका है। आप सबने देखा है कि लॉकडाउन में किस तरह से मोबाइल ने हमारा सारा वर्क, तो सब लोगों ने वर्क एट होम किया है तो वो मोबाइल से ही किया है। बच्चों ने अपनी क्लासेस अटेंड की है, हर किसी ने अपना काम जो है वो मोबाइल से किया है। तो फ्रेंड्स मोबाइल जो है आज के टाइम में हमारी बेसिक नीड बन चुका है। उसके बाद है बेस्ट एजुकेशन। नो डाउट आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंड मेरा एक नीड है, ये हमारी बेसिक नीड है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद फ्रेंड्स एक व्हीकल जो आज के 21st सेंचुरी में बहुत जरूरी है, कहीं आपके घर में रात को कोई इमरजेंसी हो जाती है तो व्हीकल की बहुत जरूरत है, वो भी हमारी एक बेसिक नीड बन चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स पेरेंट्स हेल्प, ठीक है, हर कोई चाहता है कि ये हमारी एक नीड है कि हम पेरेंट्स हेल्प कर सकें, लेकिन क्या हम कर पाते हैं पेरेंट्स की हेल्प? लेकिन हम सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारी हेल्प करें, हम ये नहीं सोचते हैं कि पेरेंट्स की हम हेल्प करें, हम सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारी हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स जैसे कि इनकम का सोर्स, जब हमें सैलरी मिलती है तो ये हमारा इनकम होती है और ये हमारी नीड्स होती है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपनी नीड्स को इस इनकम के दायरे में लाने की कोशिश करते हैं। तो वहां से कुछ चीजें हम जो है वो कम करना शुरू करते हैं, हम इस दायरे में लाना शुरू करते हैं। तो वहां से हमारी जो लाइफ है वो लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज स्टार्ट होती है। हम कुछ अपने कंप्रोमाइजेस जो है अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम का सोर्स जो है वो छोटा है और हमारी जरूरतें, ये फ्रेंड्स मैं जरूरतों की बात कर रही हूँ, मैं ड्रीम्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारी जरूरतें हैं वो इनकम से ज्यादा है, तो हम उनको कट करना शुरू करते हैं कि हम ये नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, ये हम नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। तो ये लाइफ ऑफ जो है कंप्रोमाइज यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स 90% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है जो अपनी नीड्स के लिए काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो 10% पॉपुलेशन है वो इस तरफ है जो अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। सॉरी मैम, थोड़ा सा आपका ना बोर्ड थोड़ा सा क्लियर शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा या तो पास करो उसको या बोर्ड को आप इधर टिके हो पास। मैम अब ठीक है? जी जी मैम, अब दिख रहा है क्लियर? जी जी, अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सा, लेकिन बड़ा लिखिए आप, थोड़ा सा बड़ा लिखो तो हो जाएगा जी, एकदम क्लियर। ओके मैम, तो उसके बाद फ्रेंड्स जो रोटी हम आज खा रहे हैं, क्या हमारी वही रोटी एक खाब है? हमारी जो ड्रीम है फ्रेंड्स, हम इससे अच्छी रोटी खाना, हम 5-स्टार होटल्स में भी तो खाना खाना चाहते हैं, हर किसी का ड्रीम है कि मैं इससे बढ़िया रोटी खाऊं, इससे अच्छी न्यूट्रिशनल रोटी खाऊं। उसके बाद है फ्रेंड्स कपड़ा, नो डाउट हर कोई कपड़ा यूज कर रहा है, हर कोई कपड़ा पहन रहा है, क्या उसका वही ड्रीम है कि वही कपड़ा वो पहने? मार्केट में बहुत सारी ब्रांड है, हम भी चाहते हैं हम वो ब्रांड यूज करें, तो फ्रेंड्स वो हमारे लिए क्या है, वो ड्रीम है। तो उसके बाद मकान, नो डाउट कि हम मकान में रह रहे हैं, हर किसी कोई ना कोई उसके लिए अपना घर जो है वो बेस्ट होता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या वो उससे बढ़िया घर नहीं लेना चाहता है? हर कोई चाहता है मेरा इससे भी बढ़िया घर हो, तो वो उसके लिए ड्रीम हाउस हो जाएगा। फ्रेंड्स मोबाइल जो है, नो डाउट कि हम मोबाइल यूज करें, लेकिन इससे बढ़िया फोन आईफोन वगैरह वो भी तो है ना, वो हमारे लिए क्या है, ड्रीम फोन्स है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कि बेस्ट एजुकेशन, क्या हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो बेस्ट स्कूलों में पढ़े, उनको बेस्ट एजुकेशन हासिल हो? तो फ्रेंड्स बेस्ट एजुकेशन वो है हमारा ड्रीम। उसके बाद गाड़ियां, मार्केट में देखिए आप, शोरूम्स में देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हुई है, तो क्या हम नहीं चाहते कि वो गाड़ी हमारे पास भी हो? तो वो हमारी क्या होगी, ड्रीम कार। उसके बाद है पेरेंट्स हेल्प, मैंने आपसे पहले भी बात की है कि पेरेंट्स हेल्प करना एक हर एक बच्चे की जरूरत, मतलब उनकी एक वो है कि पेरेंट्स की हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतनी इनकम होने में हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, तो हम अपने पेरेंट्स की कैसे करेंगे? तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो पेरेंट्स से रखते हैं, तो पेरेंट्स हेल्प भी क्या होता है फ्रेंड्स, वो भी हमारा एक ड्रीम है कि हम उनकी हेल्प कर पाए। तो फ्रेंड्स
एक इकोनॉमी से फ्रेंड्स एक सर्वे हुआ था, एक इकोनॉमिक्स ने सर्वे किया था कि 1940 में एक सर्वे हुआ था, 10 रुपीज से घर की फैमिली का खर्चा चलता था। फ्रेंड्स 1940 मैंने नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है लोगों से कि 10 रुपए से उससे पैसों से घर चलता था, लेकिन 10 रुपए से घर की जरूरतें पूरी होती थी। 1960 में आते आते वो खर्चा फ्रेंड्स 100 रुपीज हो गया, एक जीरो उसमें इंक्लूड हो गया, वो खर्चा 100 रुपीज का हो गया। ऐसे ही 20 साल के बाद 1980 में आते आते वो खर्चा जो है वो 1000 रुपीज हो गया। फ्रेंड्स वही खर्चे जो थे वो बढ़ने शुरू हो गए और फैमिलीज के साइज थे वो छोटे होना शुरू हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स 2000 में वही खर्चा 10,000 से चलना शुरू हो गया। फ्रेंड्स पीछे का मुझे नहीं पता, लेकिन 2000 मैंने देखा है 10,000 से अपनी फैमिली के हम सारे खर्चे पूरे करते थे, जरूरतें जो थी, ड्रीम्स भी बोलूंगी फ्रेंड्स। 2020 जो अभी जिसमें हम फॉल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक जीरो और बढ़ा दो, 1,00,000 रुपया। आज जो मंथली जिसकी 1,00,000 रुपया इनकम है, वही अपने घर की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं ड्रीम्स की बात यहाँ नहीं करूंगी, बस नीड्स की बात कर रही हूँ। जिसके अकाउंट में 1,00,000 रुपया मंथली आता है, चाहे वो जॉब में है, प्रोफेशन में है या बिजनेस में है, वही अपनी जरूरतें पूरी कर पाता है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे ही एक एक जीरो बढ़ता गया, तो वो दिन दूर नहीं है 2040 में 10,00,000 रुपया जिसके अकाउंट में मंथली 10,00,000 रुपया आता होगा, वो ही अपने घर के जो खर्चे हैं, जो नीड्स हैं, जो अपनी वो पूरी कर पाएगा। तो फ्रेंड्स इसी सर्वे को देख के मुझे ज्यादा ये हुआ कि सच्ची में ये तो हो रहा है, ये तो कोई झूठ नहीं है, जिन्होंने भी ये सर्वे किया है ये रियलिटी है। तो फ्रेंड्स जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया तो मुझे इसके कुछ रिवॉर्ड्स दिखाए। सबसे पहले मैं उन रिवॉर्ड्स के बारे में आपसे बात करूंगी। रिवॉर्ड्स फ्रेंड्स जब हम कोई काम करते हैं, अगर मैं स्कूल में भी जॉब करती थी तो वहां पे हमारे लिए कुछ रिवॉर्ड्स होते थे, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ एप्रिसिएशन रिवॉर्ड्स होते थे, जिससे क्या होता है कि इंसान उसको करने की उसके अंदर एक लालसा होती है कि मुझे इस काम को किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स इस काम को करने में सबसे पहले हमारे पास जो रिवॉर्ड है वो है मनी फ्रीडम। नो डाउट मनी और फ्रीडम दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब ये साथ में जुड़ जाते हैं तो इसका मीनिंग है कि हमें मनी की फ्रीडम मिलती है। यहाँ पे हम अपने मन मर्जी का पैसा खर्च कर सकते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम लेने कुछ जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब हम वहां जाके टैग देखते हैं ना, तो हम लेने तो कुछ और गए होते हैं, लेके अपने बजट के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद आपको एक मनी की फ्रीडम मिलेगी, उसके बाद टाइम फ्रीडम। फ्रेंड्स नो डाउट कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके पास एक वैल्यूएबल टाइम नहीं है, अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग पैसों के लिए फॉरेन में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों की जॉब्स जो है वो बाहर हैं, वो अपनी फैमिली से दूर है। फ्रेंड्स वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास वो टाइम नहीं है जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक टाइम की फ्रीडम मिलती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद थर्ड रिकॉर्ड है इसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फ्रेंड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मैं आपको जैसे बात करूं कि जब हम किसी काम को करते हैं उसे हमें जीरो से स्टार्ट किया है, तो जिस लेवल तक हम लेके जा रहे हैं उसको, अगर नो डाउट कि वो अच्छा कोई काम हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर हमें कुछ हो जाता है, एक्सीडेंटली हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, एक हेड ऑफ द फैमिली है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगी। ये करके एक हेड है, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या वो किसी जॉब में है, तो फ्रेंड्स उसके बाद उसके उसकी फैमिली जो उसके पेरेंट्स हैं, उसकी वाइफ है, उसके चिल्ड्रन हैं, तो फ्रेंड्स वो जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर उसको कुछ हो जाता है, ये एक पर्सन यहाँ से मिस हो जाता है, तो इन चारों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो जीरो हो जाएगी। इन सबको ये फिर से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स इनको
जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये किसी अच्छी पोस्ट पे था, जॉब में था, किसी प्रोफेशन में था, अगर वो गजेटेड पोस्ट में था तो उसके बच्चे को कोई भी गजेटेड पोस्ट में नहीं बिठाएंगे। अगर वो डॉक्टर था तो उसके बच्चे को फिर से एमबीबीएस करनी पड़ेगी, तभी वो उस लेवल तक पहुंचेगा, ना कि उसके पेरेंट्स ने एमबीबीएस कर ली तो उसके बच्चे को वहां बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो थी वो जीरो होगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, वर्ल्ड ट्रेवल। हर कोई चाहता है कि मैं घूमूं, हर किसी का ड्रीम होता है मैं फॉरेन जाऊं, मैं अपनी जो वेकेशन है मैं बाहर एंजॉय करूं। तो लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पास मनी के इतनी शॉर्टेज होने के बाद हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट ईयर चलेंगे, लेकिन सारा जो वो है वो मनी नहीं होती है इंसान के पास, इतना उसका बजट उसको एलो नहीं करता है कि वो वर्ल्ड ट्रेवल कर सके। तो फ्रेंड्स, इस कॉर्पोरेशन में जुड़ने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड ट्रेवल मिलेंगे। फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा काम है जिसको आपको करने से वर्ल्ड ट्रेवल फ्री मिलेंगे? उसके बाद फ्रेंड्स, रिकॉग्नाइजेशन। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरी नेम हो, मेरा फेम हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लेडीज के लिए ये बिजनेस में नाम बहुत जरूरी है। तो मैं आज ये एक सक्सेस फाइल है मेरे पास, ये जो हमारे मेंटर्स हैं जिन्होंने हमें इसमें गाइड किया है, वो जो अभी फाउंडर एमरल्ड हैं, तो फ्रेंड्स उनकी इसमें प्रोफाइल में फोटोज हैं, उनका सारा लिखा गया है वो किस प्रोफेशन से हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोफाइल में जिनके भी नाम हैं उनको हर कोई चाहता है, 108 कंट्रीज में उनकी रिकॉग्नाइजेशन होती है। तो फ्रेंड्स, एज ए लेडी मैं बात करूंगी कि जैसे हम बचपन से अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, और आफ्टर मैरिज हमें अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, उसके बाद बच्चे होने के बाद अपने बच्चों के नाम से जाना जाता है। तो लेडीज के लिए ये बिजनेस जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो अपना नाम बना सकती हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद है गुड हेल्थ। जिस कॉर्पोरेशन की बात फ्रेंड्स मैं आपसे कर रही हूँ, उनका नाम एमवे कॉर्पोरेशन है, और उसके एक ब्रांड न्यूट्रीलाइट जो वर्ल्ड का नंबर वन फूड सप्लीमेंट माना गया है, और उसके ब्रांड को हमने जब हम अपने लिए यूज करेंगे तो फ्रेंड्स हमारी हेल्थ तो वैसे ही बढ़िया हो जाएगी, और लेकिन जब ये रिवॉर्ड्स हमें मिलेंगे, जब हमें ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद है हेल्प अदर्स। फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है हम लोगों को इम्पावर कर रहे हैं इसमें, ये कोई स्कीम या कोई पिरामिड स्कीम नहीं है फ्रेंड्स, ये हेल्प अदर्स है। हमें जो काम हमें खुद कर रहे हैं, हम लोगों को इम्पावर करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम एक बार उसकी हेल्प कर सकते हैं, बार बार हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर ये बिजनेस मैं उसको सिखा दूंगी, वो डुप्लीकेट अपनी तरह उसको कर दूंगी, तो फ्रेंड्स मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ उसको इम्पावर करने में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 7 रिवॉर्ड्स जो मैं आपके साथ शेयर किए हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद आपको कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? यहाँ है टाइम, फ्रेंड्स हमें 2 से 3 घंटे डेली, वो दो से तीन घंटे जो हम पार्ट टाइम हमें इस काम को करना है, वो 2 से 3 घंटे जो हम अपने वेस्ट करते थे यहाँ वहां फोन में, टीवी देखने में या गप्पे मारने में, वो हमें अपने यूटिलाइज करने हैं फ्रेंड्स। 2 से 3 घंटे 6 से 12 महीने हमें इस काम को सीखना है फ्रेंड्स। तो हमें इनकम कितनी आएगी? हमें इनकम आएगी 40,000। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे हमने इस काम को लर्न किया, तो 6 से 12 महीने, तो हमारी इनकम जो है वो 40,000 आनी शुरू होगी। फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा काम है? हम बचपन से स्टडीज कर रहे हैं, ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां पे आपको 6 से 12 मंथ के बाद आपको 40,000 रुपया आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लेवल है वो होता है ब्रॉन्ज। उसके बाद उसी काम को फ्रेंड्स, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो सिलेबस हमने एक बार लर्न कर लिया है वही सिलेबस हमें आगे कंटिन्यू करना है, कोई भी हमें उसमें कोई भी नई नई चीज करनी है। तो एक से दो साल हमें करना है फ्रेंड, तो हमारी इनकम जो है वो 1,00,000 रुपीज आ सकती है हमारे अकाउंट में। तो हमारा जो लेवल है वो होगा प्लेटिनम।
उसके बाद फ्रेंड्स वही काम को हमें 2 से 3 घंटे करना है, 2 से 3 साल, तो हमारी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपया हो सकती है फ्रेंड्स। और हमारा जो लेवल है वो होगा एमरल्ड। जो हमारे मेंटर हैं विजय सर और कैलाश मैम, वो फाउंडर एमरल्ड है, मैं उनके लिए क्लैपिंग कर सकती हूँ कि उन्होंने ये एक रनवे बनाया है, जिस पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया हुआ है, हमें सिर्फ उसको सीखना है। तो फ्रेंड्स ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप सब इससे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। उसके बाद 2 से 3 घंटे हमें इस काम को करना है, 4 से 5 साल, तो हमारी जो इनकम है वो 5 लाख तक हो सकती है और हमारा जो लेवल है वो डायमंड होगा। तो फ्रेंड्स ये इनकम कैसी होगी? परमानेंट होगी, ग्रोइंग होगी, अनलिमिटेड होगी और ऑनगोइंग होगी। फ्रेंड्स ये हमारी जनरेशन तो जनरेशन पास आउट हो सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे बढ़िया काम को क्या हमें कर भी लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगी हमें करना क्या है। फ्रेंड्स जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो हम मार्केट से लाते हैं। हर एक पर्सन कहीं ना कहीं एक कस्टमर है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम सुबह उठते हैं हर एक इंसान कोई ना कोई एक कस्टमर है, तो वो कोई ना कोई सामान जब भी यूज करता है वो मार्केट से लाता है। जो भी उसके पास की रिटेल शॉप होगी वो वहां से उस प्रोडक्ट को लेके आएगा। प्रोडक्ट यूज करना हमारी बेसिक नीड है फ्रेंड्स। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो एक रिटेलर के पास जाएगा, ठीक है। तो जो रिटेलर होगा फ्रेंड्स वो भी वो सामान अपने घर नहीं बनाता है, वो भी कहीं जाके उस सामान को अपने तक लेके आता है, अपनी शॉप तक लेके आता है। तो वो सामान को कहाँ से लेता है? होलसेलर से। जो होलसेलर है वो सामान कहाँ से लेता है? CNF एजेंट से। फ्रेंड वो सामान जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी में, फोन्स में, तो वो सामान की जो एडवर्टाइज होती है तभी तो लोगों को पता चलता है कि ये सामान है मार्केट में। ऐसे जब हम कोई भी सोप लेने जाते हैं तो फ्रेंड्स हम वहां जाके उस सोप का नाम लेते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हमें ये सोप दे दो, कोई भी सोप दे दो। तो फ्रेंड्स उसकी एडवर्टाइजमेंट हमने कहाँ देखी होती है? टीवी में जाके। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो सामान है वो बनता कहाँ पे है? जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बना? एक फैक्ट्री में। तो फ्रेंड्स ये एक सिस्टम था कि किस तरह से इन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड की है एक कस्टमर को। तो जो अल्टीमेट सामान था वो बना कहाँ था? वो फैक्ट्री में बना था। तो फ्रेंड दो फ्रेंड्स थे, रिच डिवोर्स और जेवन एंडल। उन्होंने उन्होंने ये सोचा, उन्होंने पूरी स्टडी की इस मार्केट को, उन्होंने स्टडी की, उन्होंने बोला कि जो कस्टमर है वो अपनी हार्ड एंड फास्ट मनी जो है वो इस मिडिल मैन को दे रहा है, लेकिन पैसा तो इसका है, प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बन रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग का जो आइडिया था उन्होंने शेयर किया था और उन्होंने एमवे को इंट्रोड्यूस किया 1959 में। फ्रेंड्स ये यूएसए से स्टार्ट हुई थी और 1998 में इंडिया में आई थी 6 प्रोडक्ट्स के साथ। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हो कि आज से कितने साल पहले ये 6 प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए थे। तो फ्रेंड्स उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का जो मेथड लोगों को इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रेंड्स जब हम फैक्ट्री से कोई भी सामान लेते हैं 3 रुपए का, तो वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर मैंने ये मार्केट से 10 रुपीज का लाया है तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो फैक्ट्री में बनी थी वो 10 रुपए नहीं थी, वो 3 रुपए थी। तो 7 रुपए जो थे वो इन सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इन लोगों ने क्या किया फ्रेंड्स, ये लोग बुरे नहीं है लेकिन इन लोगों ने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की है किसको? कस्टमर को। तो अब इसमें उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वो कमाया है। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज अगर मार्केट में 30 रुपीज की बनती है तो वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपीज की हो जाती है, तो वो 70 रुपीज जो है वो इस मिडिल मार्केट में चले जाते हैं। ये जितने भी रिवॉर्ड्स मैंने आपको पहले बताए ना वो सारे ये लोग एंजॉय करते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल ये कर रहे हैं, जितने भी इनके फैमिली में होंगे वो सारे इनके साथ वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं, बच्चे इनके स्कूलों में अच्छे पढ़ रहे हैं, आईफोन ये यूज कर रहे हैं, बढ़िया गाड़ियां ये लोग यूज कर रहे हैं। तो जिसने पैसा कमाया था
वो क्या कर रहा है जिसका नाम ही कस्टमर है, जो कष्ट कर करके मर रहा है। तो फ्रेंड्स उन्होंने ये आइडिया इन्होंने बताया कि किस तरह से कस्टमर भी एक पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी जो कस्टमर के आगे उन्होंने रखी। फ्रेंड्स जो भी सामान मार्केट से अगर 300 रुपए का मिलता है तो वो कस्टमर तक पहुंचता है 1000 रुपीज का, तो 700 रुपया जो वो इस मिडिल मार्केट में चला जाता है। तो 3000 का जो सामान है वो 10000 का कस्टमर तक पहुंचता है, तो ये 7000 जो है वो इस मिडिल मार्केट में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक नॉर्मल फैमिली का 10000 रुपया मंथली खर्चा होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम 7000 रुपये एक मंथ का इस मिडिल मैन को दे रहे हैं तो आप देखो पूरे साल का 84000 रुपया जो है वो हमारा इस मिडिल मार्केट में चला गया। तो फ्रेंड्स क्या इस 84000 से हम अपने घर की कोई भी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे? बहुत सारी जरूरतें हम इससे पूरी कर सकते थे, एक अच्छा फोन ले सकते थे, एक गाड़ी की EMI दे सकते थे, बच्चों की फीस दे सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स हमारा जो पैसा है वो इस मिडिल मार्केट में चला गया। तो फ्रेंड्स उन्होंने यही किया कि अगर हम इस मिडिल मार्केट को बायकॉट करें और अपना जो सामान है वो डायरेक्ट एमवे से ले लें तो हमें भी एक बिजनेस करने का उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी किस तरह से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये हम है, मैं अपनी बात करूंगी, जब हम मार्केट से सामान लेके आते हैं तो फ्रेंड्स हमें वहां से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। जब हम इस एमवे कॉर्पोरेशन से अपने आप को जोड़ते हैं तो ये हमें 8% डिस्काउंट देती है और 8% हमें CSI मिलता है। तो फ्रेंड्स हमें तीन पावर्स जो है यहाँ पे सपोर्ट करती है। फर्स्ट हमारी अपलाइन जो हमें इस बिजनेस में लेके आते हैं, सेकेंड गुरुकुल सिस्टम और थर्ड एमवे। फ्रेंड्स एमवे का काम है हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अपलाइन का काम है हमें बिजनेस करना सिखाना, और गुरुकुल सिस्टम जो है वो हमें एक सिस्टम से जोड़ता है। वहां पे कुछ सीरीज होती हैं जो हमें सुननी है, कुछ वीडियोस होती हैं, और फ्रेंड्स कुछ इस तरह की बुक्स हैं मेंटल एबिलिटी जो है हमारे सोचने की थिंकिंग को पढ़ाती है किस तरह से हमें पॉजिटिव सोचना है। एक मिनट मैम, तो फ्रेंड्स ये बुक्स की बात करूं तो ये हमें सिखाती है किस तरह से हमें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को कंटिन्यू रखना है। फ्रेंड्स एमवे का काम है हमें प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना। तो फ्रेंड्स अगर हमने अपने घर का 10000 का सामान हम मार्केट से लाते थे तो वहां पे हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था, तो हमने अपनी सिर्फ मार्केट चेंज करनी है। जो हम सामान मार्केट से लेते थे वो 10000 का सामान हमने एमवे से लेना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स जब हमने 10000 का सामान लेना शुरू कर दिया तो 2000 रुपया हमें उसी टाइम हमारे अकाउंट में आना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स इस कॉर्पोरेशन से जुड़ने के लिए हमें कोई भी फीस नहीं देनी है, हमें सिर्फ एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है जिसमें हमारा डिस्काउंट आएगा। तो फ्रेंड्स 2000 रुपया, कौन सी ऐसी मार्केट है जहां हम 10000 का सामान लेंगे तो हमें 2000 रुपया डिस्काउंट देंगे? फ्रेंड्स ऐसी कोई भी मार्केट नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने पहले खुद यूज करना है, फिर लोगों के साथ शेयर करना है। तो हमने 6 फैमिलीज में इस बिजनेस को शेयर किया। तो हमने उनको बताया कि किस तरह से हम अपनी मार्केट चेंज करने के बाद हम अपना एक बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इसके प्रोडक्टों की हमने नॉलेज देनी है उनको कि किस तरह से ये प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और 450 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और फ्रेंड्स UNO अवॉर्डेड ये प्रोडक्ट्स हैं, WHO ने रिकमेंड किए हुए हैं। इस तरह से जब हम उनको बताएंगे, जब हम उनको डेमो प्लान दिखाएंगे, ये तो मैं आपको वेल्थ का
प्लान दिखा रही हूँ, जब हम उनको हेल्थ का प्लान दिखाएंगे तब उनको एक यकीन होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, जब हमने खुद यूज किया, उनके साथ भी शेयर किया, तो हम पहले एक थे, फिर छह लोग हमारे साथ आ गए, तो हम सात लोग हो गए। तो फ्रेंड्स, सात फैमिलीज में अगर 10-10 हजार का प्रोडक्ट लेना शुरू किया एमवे से, तो हमारा 70 हजार का बिजनेस हो जाता है। फ्रेंड्स, कुछ उन्होंने यूज किया, कुछ उन्होंने शेयर किया लोगों से और उसको रिटेल किया, तो फ्रेंड्स हमारे अकाउंट में 4-5 हजार रुपया आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये छह जो फैमिलीज थी, ये लोग भी इन लोगों को भी प्रोडक्ट अच्छे लगे, इन लोगों को भी बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी समझ आई, तो इन लोगों ने भी आगे 4-4 लोगों से शेयर किया। तो फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 24+7 31 फैमिलीज होगी हमारे पास, जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन लोगों को भी प्रोडक्ट जो है अच्छे लगे, तो फ्रेंड्स उन्होंने भी अपनी मार्केट चेंज की, तो 10-10 हजार का जो है प्रोडक्ट यहाँ से लेना शुरू किया, तो टोटल हमारा हो गया 3,10,000 का बिजनेस। तो हमारे अकाउंट में फ्रेंड्स 20-30 हजार रुपया आना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने सिर्फ अपनी मार्केट चेंज करनी है, इस तरह से हमारे अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये चार फैमिलीज थी, इन्होंने भी 3-3 लोगों से आगे शेयर किया। तो फ्रेंड्स, जब इन्होंने भी 3-3 लोगों से शेयर किया, तो टोटल हमारे पास कितनी फैमिलीज हो गई, 103। तो इन लोगों ने 10-10 हजार का स्मार्ट प्रोडक्ट जो है एमपे से लिया। तो फ्रेंड, टोटल हमारा टर्नओवर जो है 10 लाख के अप्रोक्सीमेटली हो जाता है। फ्रेंड, जब हम 10 लाख का बिजनेस करना सीखते हैं, तो हमारा एक लेवल होता है, हम सिल्वर लेवल पे होते हैं। तो उसी लेवल को जब हम 3 मंथ्स मेंटेन करते हैं, तो हमारा लेवल जो है वो गोल्ड होता है। फिर उसी लेवल को हमें 6 मंथ, 10-10 हजार का हमने बिजनेस जो है 6 मंथ हमने किया, हमने अकेले नहीं किया फ्रेंड्स, हमारी पूरी टीम ने किया, तो हम प्लेटिनम, जो हमारा वो है पिन लेवल है, वो प्लेटिनम होता है। तो फ्रेंड्स, उसी को हमने 12 मंथ आगे कंटिन्यू करना है, तो हमारा जो लेवल है वो फाउंडर प्लेटिनम होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये आगे आगे हम कर सकते हैं बिजनेस को। तो फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स काफी बिजनेसमैन भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो लोग क्या खाली टूथपेस्ट बेचने का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग एसेट बेस्ड इनकम के लिए इस बिजनेस प्लान में आए हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगी किस तरह से ये एक एसेट बेस्ड इनकम हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम 21% पे होते हैं खुद, तो जिन फैमिलीज के साथ हमने बिजनेस किया है, तो उनमें से अगर हम एक फैमिली को 21% लेवल तक पहुंचाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, हमने उनकी हेल्प की, तो हर एक फैमिली से हमें 6% की रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक फैमिली से अगर हमें 6% की इनकम आना शुरू हो जाती है, तो हमें 1 लाख हमारा अपना था, 6% वहां से आया, 60,000 हो गया, तो हमारे अकाउंट में 1,60,000 पर मंथ आना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसे ही हमने अगर 3 फैमिलीज को 21% लेवल पे जाने में उनकी हेल्प की, और हर एक फैमिली से हमें 6% की रॉयल्टी इनकम जो है वो आना शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारे अकाउंट में 3 फैमिली से अगर 6% भी आता है, 1,80,000 हमें वहां से आएगा, और 1 लाख हमारा अपना था, तो 2,80,000 से 3 लाख का हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाता है, और हमारा जो पिन लेवल है वो होता है एमरेड। फ्रेंड्स, अगर हमने 6 फैमिलीज को 21% जाने में उनकी हेल्प की, और हर एक फैमिली से हमें 6% की रॉयल्टी इनकम आना शुरू हो गई, तो फ्रेंड्स 6 फैमिली से अगर हमें 6% की रॉयल्टी इनकम आएगी, तो टोटल हमारा हो जाएगा 3,60,000। तो 1 लाख हमारा अपना बिजनेस जो हमने किया था उसका आएगा, तो हमारे अकाउंट में 4-5 लाख रुपया एक डायमंड की इनकम। फ्रेंड्स, इससे ज्यादा है, लेकिन मैं आपके साथ ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि बात करूंगी आपके पास साथ एक डिफरेंस की, किस तरह से मार्केट के प्रोडक्ट यूज करने से हमें क्या फायदा होगा, और एमवे के प्रोडक्ट यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा।
फ्रेंड्स एवरी बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको डिफरेंस बताऊंगी। फ्रेंड्स इस बिजनेस को करने में हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नो इन्वेस्टमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी ज्वाइनिंग है। इसमें हमें आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड देके हम इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें कोई अगर एक शॉप खोलनी होगी या हमें कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस आगे कंटिन्यू करना होगा तो हमें उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसमें जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी तो हमें कोई रिस्क भी नहीं होगा, नो रिस्क। फ्रेंड्स जिस काम में हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो उसमें हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, हमारी कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमें एमवे कॉर्पोरेशन दे रही है। एमवे हमें बोल रही है कि आप 30% यूज करो उसको, 30 days यूज करने के बाद भी मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे अगर हमने पैसा लगाया, हमें नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, तीनों चीजें हमें चाहिए। और हमें एमवे बिजनेस में आने के बाद हम एक सिस्टम से जुड़ते हैं, वहां हमें नॉलेज खुद ही लेनी है, एक्सपीरियंस और स्किल भी। फ्रेंड्स आज अगर मार्केट में दो शॉप्स होंगी, आप दूसरे को पूछोगे कि आपकी शॉप बड़ी अच्छी चल रही है, मुझे भी आइडिया शेयर करो किस तरह से मैं भी अपना ये बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। फ्रेंड्स कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि आजकल लेग पुलिंग ज्यादा है, कोई अपने आइडिया आपके साथ शेयर नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद इस काम को करने में हमें 2 से 3 घंटे लगने हैं, लेकिन इस काम को हमें 8 से 10 घंटे देने ही देने हैं। फ्रेंड्स 8 से 10 घंटे अगर मैं उसका शटर खोलूंगी तभी वो शॉप ओपन होगी, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो वो दुकान बंद रहेगी, मुझे मेरा बिजनेस जो है वो लॉस में जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये बिजनेस मुझे 2 से 5 साल करना है, लेकिन ये बिजनेस मुझे होल लाइफ करना है, मुझे भी करना है, आगे मेरे बच्चों को भी करना है। तो फ्रेंड्स जिस कॉपरेशन की बात मैं आपसे कर रही हूँ एंगे बिजनेस की, उसके जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है और यहाँ पे आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट मिलेंगे मार्केट में। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलेंगे जो मैंने आपसे पहले ही बताया है, वो WHO के रिकमेंड किए हुए हैं, UNO अवॉर्डेड प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद हमें 8% डिस्काउंट मिलेगा, 8% हमें रिटेल कैशबैक मिलेगा, पर यहाँ पे हमें MRP पे ही प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे, हमें इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। फ्रेंड्स आज हम कोई भी शॉप पे सामान लेने जाएंगे तो हमें वो MRP पे ही देंगे, और अगर हम उसको एक बार खोल देंगे और उसी टाइम हम उस दुकान पे जाएंगे वापस करने पे तो वो उसको वापस नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आपने इसको खोला क्यों। लेकिन एमवे आपको बोलती है कि आप मेरा प्रोडक्ट ले जाओ, 30 days यूज करो, 30% यूज करो, मैं आपको नहीं पूछूंगा कि आप क्यों वापस कर रहे हो, तो मैं आपकी मनी जो है वो वापस करूंगा, मनी बैक गारंटी दे रहा है। फ्रेंड्स इससे बढ़िया रिवॉर्ड कौन सा हो सकता है। और फ्रेंड्स उसके बाद जब हमने ये सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए, फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें वर्ल्ड टूर मिलेंगे, लेकिन जब हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें सिर्फ हॉस्पिटल की OPD के ही चक्कर लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा प्लान, थोड़ा हॉजपॉज हो गया आज, तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। थैंक यू मैम, थैंक यू, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ऑसम आपने प्लान शेयर किया, और आई होप सभी लीडर को समझ में आया होगा, और आपने टाइम को ध्यान रखते हुए इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन शो की, तो सभी लीडर मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही अच्छे से और एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने अच्छे से प्लान शेयर किया, बहुत ही वंडरफुल। तो सभी लीडर मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप मैम के लिए थोड़ा सा मैसेज। ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लान, बहुत बढ़िया नेहा दीदी, बहुत बढ़िया।